तो हम लोगों ने सरकार के आश्वासन पर अपने हड़ताल को स्थगित किया है, हड़ताल वापस नहीं लिया है। दूसरी बात कि सरकार माननीय मंत्री जी ने और सरकार के सचिव प्रधान सचिव ने हम लोगों को एक आश्वासन दिया है कि ये गजट तो ज़रूर आ गया है, लेकिन हम लोग इसका जब रूल बनाएंगे तो आप लोगों की सहमति से ही बनाएंगे, आप उसके सदस्य होंगे और आपकी और व्यापारियों की कोई अनदेखी नहीं की जाएगी। आपका जो भी बात आएगा उस पर गंभीरतापूर्वक हम लोग विचार करते हुए राहत देंगे और समाधान करेंगे। को डेट नहीं बताए हैं, बताएं कि रूल बनाने की प्रक्रिया में है, जैसे अगर वो उसका आगे बढ़ता है काम तो आप लोगों को हम सूचना देंगे और आपके 3 सदस्य को हम उसका मेंबर भी बनाएंगे उस समिति का। तो आप लोग संतुष्ट हैं इस आश्वासन से? संतुष्ट हैं, सरकार ने कहा है कि हम लोग जो आप कहेंगे वही हम करेंगे, हम व्यापारियों के विरुद्ध नहीं जाएंगे, तो इससे बड़ी बात है। और माननीय सचिव महोदय ने कहा है, माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा है, तो इससे और असंतोष का तो बात नहीं होता है। टैक्स लागू हो गया तो फिर आंदोलन करेंगे? लागू नहीं हुआ? नहीं, अभी रूल बनेगा तब लागू होगा। अगर वो लागू करेंगे तो फिर हम आंदोलन करेंगे, हमने अपने आंदोलन को स्थगित किया है, समाप्त नहीं किया है। थैंक यू। देखिए, रेवेन्यू रिसीट साइड जो होता है वो होता है टैक्स से, नॉन टैक्स से, जो टैक्स नहीं लगाते हैं लेकिन हमारा आता है उससे, सेंट्रल असिस्टेंस से, सेंट्रल शेयर से, ये 4-5 तरह से आता है रेवेन्यू हमको राज्य को। और अगर घट गया पैसा तो एक तरीका है बोरो करना, कर्ज लेना। तो कर्ज कब लेते हैं? जब पैसा घट जाता है। अगर हम रिसोर्स मोबिलाइजेशन ऐसे करें कि जितना खर्च हमारा है, प्रत्याशित खर्च है, उतना हम अपना रिसीट बढ़ा दें, हम कलेक्शन बढ़ा लें, तो कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 2500 करोड़ जो सरप्लस हमको मिल रहा है इस विभाग से, तो अगर कर्ज लेने की जरूरत पड़ेगी भी तो कम लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमको पहले था नहीं, पिछले साल ही नहीं था, इस साल 2500 करोड़ हम बढ़ गए हैं, तो हमको कर्ज लेने की जरूरत कम पड़ेगी जरूरत के अनुसार, लेकिन कम पड़ेगी, यही मैं कहना चाह रहा था। जो बकाया है विभिन्न करदाताओं को वो लगभग 3500 करोड़ से ऊपर है, और विभिन्न न्यायालयों में जो केसेस लंबित हैं वो लगभग 5000 है। तो ये केसेस को का शीघ्र निपटारा हो, केसेस क्लोज हों, और जो बकाया हमारा है उसमें बहुत सारे ऐसी राशि है जो विवादित है, उसके कारण करदाता पे नहीं कर रहे हैं, तो इसी के लिए कर समाधान योजना लाया गया है, जिसमें जो एडमिटेड टैक्स है वो 100% उनको पे करना है। जो विवादित राशि है उसमें 60% वेव ऑफ हम लोगों ने कर दिया है। स्टैट्यूटरी फॉर्म्स से रिलेटेड जो राशि बकाया है वो उसमें 50% वेव ऑफ कर दिया है, और इंटरेस्ट और पेनल्टी उसकी भी राशि काफ़ी बड़ी थी, उसमें 90% वेव ऑफ कर दिया है, खाली 10% उनको पे करना है। दूसरा, जो विभाग ने इस बार पहली बार फरवरी माह में ही अपनी जो टारगेट थी रेवेन्यू कलेक्शन की उसको पूरा पार कर दिया है, 101% हम लोग अचीव कर लिए हैं। ये संभव हो सका क्योंकि हम लोगों ने जो एक विभाग में एक इराउ टीम स्थापित किया है, इंटेलिजेंस एंड रेवेन्यू एनालिसिस यूनिट, जो विस्तृत रूप से जितने भी जो करदाता रिटर्न्स फाइल करते हैं उनका एनालिसिस करती है, सेक्टर वाइज एनालिसिस करती है, ई वे बिल का विश्लेषण हम लोग इंटेलिजेंस बेस्ड कर रहे हैं। इन सब के कारण जहां गैप्स हो रहा था उसको हम लोगों ने पकड़ा, कहां कमी आ रही है, और करदाताओं ने भी सहयोग किया, और इससे लगभग हम लोगों ने इस बार 2500 करोड़ जंप किया है, एडिशनल हम लोगों ने रेवेन्यू कलेक्शन किया है, और अभी फरवरी में ही हम 18,500 करोड़ पार कर चुके हैं, तो हम लोग को पूरी उम्मीद है कि मार्च अंत तक हम 21,000 करोड़ के आसपास पार कर जाएंगे। और कंपनसेशन भी कुछ हमारा ड्यू है भारत सरकार में, लगभग वो 1000 करोड़ ड्यू है, तो वो अगर आ जाता है तो हम लोग 22,000 पार